हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को पता है, हम हरिद्वार का सीरीज बना रहे, तो इस बार हम जाएंगे चंडी देवी मंदिर। और हाँ, मंदिर तो जरूर दर्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए। तो पहले मंदिर देख लेते हैं, फिर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो भी ज़रूर बताएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहे। तो चलिए, कोई देरी किए बिना हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। और आज हम देखेंगे देव आस्था सीक्रेट चैनल का वीडियो, द डीएस देव आस्था चैनल सीक्रेट्स। वाह, इंट्रो बहुत अच्छा किया इन्होंने, मस्त है ना? इतना अच्छा दर्शन हो गया। दक्षिणी पर्वत श्रृंखला शिवालिक पहाड़ियों के पूर्वी शिखर पर नील पर्वत के ऊपर स्थित है। ये रोपवे का जो रास्ता है वही है। हरिद्वार में स्थित पंच तीर्थ में से एक है चंडी देवी मंदिर। सिद्धपीठ के रूप में अत्यधिक पूजनीय है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जिस कारण देश के कोने कोने से श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर देवी के दरबार में आते हैं। चंडी देवी हरिद्वार में स्थित तीन पीठों में से एक है। अन्य दो पीठ मनसा देवी और माँ माया देवी मंदिर हैं। कहते हैं कि चंडी देवी मंदिर का माया देवी के मंदिर का भी देखेंगे, मनसा देवी तो देख चुके हैं। सुचत सिंह ने कराया था, लेकिन इसके साथ साथ लोगों का यह भी मानना है कि मंदिर में मौजूद मूर्ति 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी। इस मंदिर को नील पर्वत के तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है, जो हरिद्वार के भीतर स्थित पांच तीर्थों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों ने स्वर्ग के देवता इंद्र के राज्य पर कब्जा कर लिया और देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था। देवताओं द्वारा गहरी प्रार्थना के बाद पार्वती ने चंडी का रूप धारण कर राक्षसों के सामने प्रकट हो। अच्छा, ये शुंभ निशुंभ को जो मारे थे वही चंडी देवी है। शुंभ ने उनसे शादी करने की इच्छा जताई। इनकार किए जाने पर शुंभ ने अपने राक्षस प्रमुख चंडा और मुंडा को उन्हें मारने के लिए भेजा, लेकिन वे देवी चामुंडा द्वारा मारे गए। फिर शुंभ और निशुंभ ने मिलकर चंडिका को मारने की कोशिश की, लेकिन देवी के हाथों वो दोनों राक्षस भी मारे गए, जिसके बाद चंडिका ने नील पर्वत के ऊपर थोड़ी देर आराम किया था और बाद में इसी स्थान पर मंदिर बनाया गया। इसके अलावा पर्वत श्रृंखला में स्थित दो चोटियों को शुंभ और निशुंभ कहा जाता है। कहते हैं कि चंडी देवी मंदिर की विशेषता ही उसे खास बनाती है, जिसके कारण दूर दूर से श्रद्धालु ऊंचे पर्वत पर स्थित इस मंदिर को देखने आते हैं। चंडी देवी को काली देवी की तरह मानव में पूजा जाता है और प्रायः इनके उग्र रूप की पूजा की जाती है। अश्विन और चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्र में चंडी पूजा विशेष समारोह के द्वारा मनाई जाती है। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालु चंडी देवी मंदिर में देवी का आशीर्वाद लेने के लिए जरूर आते हैं। चंडी देवी मंदिर के पास माता अंजना का मंदिर भी है और चंडी देवी मंदिर में आने वाले सभी भक्त इस मंदिर में भी जरूर आते हैं। मनसा और चंडी देवी पार्वती के दो रूप हमेशा एक दूसरे के करीब रहती हैं। क्योंकि चंडी देवी का मंदिर मन्नतें पूरी करने के लिए जाना जाता है, यही कारण है कि अन्य मंदिरों की अपेक्षा इस मंदिर में भारी भीड़ जुटती है। पर्वत पर स्थित यह मंदिर अपनी लोकप्रियता के साथ ही पहाड़ के मनोरम दृश्य के लिए भी प्रसिद्ध है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और अपनी राय हमें अवश्य दें। ऐसे ही और वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? बहुत अच्छा है ना, कितना अच्छा से समझा दिए हैं। और हम मनसा देवी मंदिर तो देख चुके हैं, तो आप लिंक कर सकते हो। तो वहाँ से थोड़ी दूर में चंडी देवी मंदिर है, थोड़ी सी ऊँचाई में है, और मनसा देवी मंदिर से ये थोड़ी सी ऊँचाई में है। और हाँ, इनका जैसे कि वीडियो से पता चल गया कि हाँ, ये तो सिद्ध पीठ है। और सिद्ध पीठ जो है, मतलब आपका मनोकामना जरूर पूर्ण होता है। ज़्यादातर सिद्ध पीठों में मन्नतें बहुत जल्द पूरा हो जाता है, तो ये बात तो सही है। आप अगर मन्नत मांगना चाहते हो तो जा सकते हो, बहुत जल्दी पूरा हो सकता है। और वहाँ तो पूरा बहुत सारा मंदिर है हरिद्वार के, जो हम बनाएंगे, जो एक दो बना लिए हैं, और बाकी जो मंदिर है वो सब बनाएंगे सीरीज वाइज। और हाँ, यहाँ पूरा मनोकामना पूर्ण होती है।
और हाँ 1929 में जैसे कि बोला गया है कि कश्मीर के राजा वहाँ सुचत सिंह ने वहाँ मंदिर बनवाए थे, और 18वीं शताब्दी से वो शंकराचार्य यहाँ पर मूर्ति स्थापित किए थे। तो ये तो जाहिर सी बात है, मूर्ति तो होता है शंकराचार्य ने, वो उनका तो आपको पता है कि उनका एक अद्भुत शक्ति है, वो उनको पता चल जाता है कि कौन सी जगह कौन सी देवी की महत्व है और कौन सी देवी की वो जो स्पिरिट रहता है उनको पता चल जाता है। तो वहाँ उन्होंने चंडी देवी की मूर्ति स्थापित किए थे। बाद में आस्था के अनुसार ये तो जाहिर सी बात है, कहीं भी बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि पहले मूर्ति स्थापित हो जाता है, बाद में अपने अपने आस्था के हिसाब से वहाँ मंदिर बन जाता है। तो वैसे ही यहाँ भी कश्मीर के राजा मंदिर बनवा दिए थे। और ऐसे वीडियो से बहुत सारी उनका स्टोरी कैसे सुमनिष्म को मारे थे और स्थापित हुए तो पूरा तो बता दिए वीडियो में, बहुत सारी बातें आपको पता चल गई। और हाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में भी ज़्यादा बहुत कुछ नहीं, बस वो जाने का आने का आपका बता देती हूँ। वहाँ रोपवे से जाना होता है, मतलब दो रास्ता है, एक पैदल का रास्ता है और एक रोपवे का रास्ता है। और पैदल में तो थक जाएंगे आप लोग, इसलिए मैं तो बोलूँगी नहीं कि हाँ पैदल से जाइए, लेकिन अगर आप जाना चाहो तो पैदल से भी जा सकते हो, बहुत मतलब है गाड़ी से बहुत दूर तक आप जा सकते हो। अगर मेल है तो आप लोग बाइक से लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बीच में से वहाँ पैदल भी जाना होगा। हर की पौड़ी से मंदिर तक कम से कम 4 किलोमीटर का रास्ता है, और आपको कम से कम 3 किलोमीटर तो चलना होगा, और आप 1 किलोमीटर हाँ बाइक से जा सकते हो, लेकिन बहुत और कई सीढ़ियाँ भी है, कई सीढ़ियाँ चढ़कर आपको जाना होगा, या फिर वहाँ से जैसे कि आपका रोपवे है, रोपवे से आप जा सकते हो। और उड़न खटोला से रोपवे जो मैं मनसा देवी में भी बताई थी, अगर आप लोग मनसा देवी टेम्पल का वीडियो नहीं देखें तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जाके देख सकते हो। वहाँ से आप रोपवे का रास्ता है, कैसे आप अगर दो एक साथ मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर जाएंगे तो आपको कम से कम 300 का टिकट आ जाएगा, और अगर सिर्फ चंडी देवी जाएंगे तो 200 का टिकट हो जाएगा। और लेकिन दोनों जाने आने का मनसा देवी और चंडी देवी एक साथ आप कर लीजिएगा तो आपको कम पड़ेगा। और हाँ एक पर पर्सन है ये। और अगर आप उड़न खटोला से जैसे कि रोपवे से जाइएगा तो बहुत अच्छा सीनरी भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब 9500 करीब ऊंचाई पर है नील पर्वत, वहाँ पर चंडी मंदिर है। और कितनी अच्छी, मतलब इतनी ऊंचाई में सोचिए आप जाइएगा रोपवे से, तो सीन तो मतलब भर भर के आपको देखने को मिलेगा। हाँ जैसे कि बहुत गर्मी होता है मार्च अप्रैल में, उस टाइम में थोड़ा सा वो ग्रीननेस जो इतना ज़्यादा नहीं रहता है, थोड़ा सा सूख जाता है, लेकिन बाकी पूरा साल भर वहाँ का सीन बहुत अच्छा रहता है। और मंदिर सुबह 5 बजे खोल जाता है और 5:30 AM पर आरती होता है, तो अगर आप सुबह जाइएगा तो माता की आरती आप दर्शन कर सकते हो, और शाम को 8 बजे बंद हो जाता है। तो चलिए, आपको चंडी देवी मंदिर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और हाँ प्लीज़ पसंद आया वीडियो तो एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग बोलते हो कि हाँ जैसे कम्युनिटी टैब में मैं क्वेश्चन देती हूँ, कोई भी स्पिरिचुअल क्वेश्चन देती हूँ, तो बहुत जांच पताश करके मैं क्वेश्चन देती हूँ और आंसर भी उतने हिसाब से मैं रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन देती हूँ या फिर वीडियो में कोई गलत इन्फॉर्मेशन देती हूँ, बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम पड़ता है, इसलिए मैं तो 15 दिन में एक वीडियो डालती हूँ। मैं बहुत जांच पताश करके जो सही होता है वही इन्फॉर्मेशन देती हूँ, इसलिए मैं 15 दिन में एक वीडियो डालती हूँ। ऐसा नहीं कि हाँ मुझे भी अच्छा लगता है अगर मैं 7 दिन में या डेली वीडियो डालूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी देखने में मज़ा आएगा, फिर भी मैं ठीक से नहीं कर पाती हूँ, इसलिए लेट में हो चाहे हो 15 दिन में हो, लेकिन मैं 15 दिन में एक वीडियो डालती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा नहीं सोचे कि हाँ मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। हाँ मैं जो रॉन्ग आंसर हो जाता है, जो कोई सब में रॉन्ग आंसर हो जाता है, उसका मैं थोड़ा सा डिले कर देती हूँ सही आंसर देने में, तो कोशिश करूँगी कि उसका सही आंसर जल्दी से जल्दी दे दूँ। मुझे लगता है कि कुछ और पीपल उसको अटेंड कर ले, कुछ और लोग अटेंड कर ले, अगर जितना अटेंड कर लेंगे उसके बाद सही आंसर दूँगी, तो ऐसे सोच के 2-3 दिन निकल जाता है और फिर वो नीचे रह जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी उसको जल्दी से जल्दी आप लोग को सही आंसर देने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले, शायद देखेंगे अंजना देवी मंदिर या फिर कोई और मंदिर।
और हाँ, आप लोग को कोई मंदिर देखना है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ज़रूर उस पर रिव्यू दूंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।